ब्रिगेड कमांडर डीआई खान ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ेरे एहतमाम शॉर्ट वीडियो डॉक्यूमेंट्री कंपटीशन की तकरीब में मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों में इनामात तकसीम किए। स्वात के इलाके कांजू में मकामी ब्रिगेड कमांडर ने मौजीजीन इलाका से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी हमांगी, इलाके में तालीम और सेहत सहूलियात में बेहतरी के लिए इकदाम पर तबादले ख्याल किया। ब्रिगेड कमांडर लकी मरवत ने मरवत कौम बेटिनी तहरीक के वफद से मुलाकात की। मुलाकात में इलाके में अमन इस्तेहकाम के क्याम और लोगों को दरपेश मसाइल के हल के बारे में मौसर इकदामात पर इत्तेफाक किया गया। कमांडर मोहम्मद राइफल्स की ज़ेरे क़यादत तहसील ख्वाइज़ई के मलक मशरान पर मुश्तमिल जरगा हुआ। जरगे में इलाके में अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मकामी अमायदीन के किरदार पर बातचीत की गई। चारसद्दा में मकामी यूनिट के कमांडर ने उत्मानजई में मकामी रहनुमा और नौजवानों से मुलाकात की। मुलाकात में कमांडर ने फौज के बारे में गलत फहमियों को दूर किया और इन्हें अमन इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के पुख्ता आजम से आगाह किया। पेशावर में मकामी कमांडिंग अफीसर ने जईद उलमाए किराम से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी हमांगी के फरोग और मनफी प्रोपेगंडों की रोकथाम में उलमा के किरदार पर तबादले ख्याल किया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके तनई में मकामी विंग कमांडर ने मजमू सिक्योरिटी का तजिया करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मकामी लोगों से मुलाकात में सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की।